हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एएलपी की क्लासेस चल रही है, उसमें जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था हमारा परसेंटेज। परसेंटेज में हमारा दो पार्ट खत्म हो चुका है, अब यह आता है नेक्स्ट पार्ट यानी कि तीसरा पार्ट। इसमें हम देखेंगे कैसे कैसे टाइप आते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पिछला जो क्वेश्चन आपने देखा था, सेम उसी के बेस पे ये क्वेश्चन आते हैं, देखा जाता है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या करा, एक विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़कियां हैं। कोई विद्यालय होगा उसमें 55% कौन है, लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 360 है तो विद्यालय में कुल संख्या कितनी है। यानी कि लड़कों की संख्या जो दे दी है वो नॉर्मल वैल्यू दे दी है, यानी कि 360 दे दी है। लड़कियों की वैल्यू जो दे दिया वो 55% दे दिया है। अब यहां तो नाइंसाफी वाली बात हो गई, यानी एक आपको परसेंटेज में दे दिया और एक नॉर्मल वैल्यू में दे दिया, और पूछ भी लिया कि दोनों मिला के कितने विद्यार्थी हैं। तो एक बात आप ध्यान से समझिए, कभी भी कोई भी चीज लिया जाता है तो या तो 100 पे लिया जाता है नहीं तो 100% पे लिया जाता है। कभी भी आप याद रखिएगा कि 100% पे या तो 100 पे लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ आपको, तो आप इंटर जब पास किए होंगे, हाई स्कूल जब पास किए होंगे, तो आपने एक बात ध्यान दी होगी कि टोटल नंबर होता है उसमें आपको कोई पूछ ले क्या कितने परसेंट आए, तो आप तुरंत ये कहेंगे सर जी 40% आए, सर जी 80% आए। ये कहते हैं ना, ऐसा तो नहीं कहते ना सर जी मेरे 250% आए, मेरे 500% आए, ऐसा तो नहीं बोला जाता है। यही बोला जाता ना कि 80% आए हैं, यानी 100% से नीचे ही कहा जाता है। या तो किसी किसी बच्चा टॉप भी करता है, वो 100% भी लाता है, लेकिन कुल जो होता है वो 100% पे देखा जाता है, और उसके बाद जो आपका नंबर आता है उसको चेक किया जाता है और बताया जाता है कि आपका इतना परसेंटेज बने हैं। यानी यहां से आपको एक बात पता चली होगी कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो वो 100% या 100 ही पे लिया जाता है। इसीलिए जब लेट किया जाता है, माना जाता है, तो 100 या 100% ही माना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि जो गर्ल्स है वो कितना है, 55% है। आप लेट करके चलो, लेट्स करो कि 100% हमारे पास विद्यार्थी हैं, यानी जो बॉयज और गर्ल्स मिला के वो कितने हैं 100%। क्या है, बॉयज और गर्ल्स मिला के कितने हैं 100%। अब आपको एक बात पता चल रही होगी क्या कि 55% तो हमारे गर्ल्स हो गई, तो बॉयज कितने परसेंट बचेंगे। तो आप तुरंत एक बात बोलेंगे सर जी 100% टोटल है, उसमें 55% लड़कियां हो गई, तो लड़के तो बेचारे कम रहेंगे, कितने रहेंगे 45%। यानी बॉयज की बात करूं तो 100% में से 55% लड़कियों को निकाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा हमारा 45% होगा कि नहीं होगा, आप बता दो होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा। ये हमारा क्या आ गया, बॉयज की संख्या। अब क्वेश्चन में साफ साफ ये कह रहा है कि 360 लड़के हैं, यानी ये जो 55% है वो किसके बराबर है। तो आप तुरंत कहेंगे सर जी 360 के बराबर है, क्वेश्चन के अनुसार कोई अंतर तो है नहीं। यानी कि 45% बराबर क्या है 360, क्लियर। तो इसको जब काटा जाएगा तो 1% बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर 8 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं ना। बट हमने अभी देखा था कि जो बॉयस है और जो गर्ल्स है वो दोनों मिला के 100% थी या 100% है कि नहीं है, है ना। यानी कि गर्ल्स और बॉयस मिला के 100% है, बट हमारे पास तो अभी 1% आया, तो इसको 100% बनाने के लिए क्या किया जाए। तो आप तुरंत कह देंगे सर जी कुछ नहीं करना यार, 2 जीरो लगा दीजिए 100% बन जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है आप कह रहे हो, तो 2 जीरो मैंने लगा दिया, तो इधर 2 जीरो लगाया तो इधर भी तो 2 जीरो लगा देंगे। अब हमें पता चल गया क्या, 800 लड़के थे जिसमें कि 45% हमारे कौन थे, बॉयज थे, जो कि 360 के बराबर थे। और जो 800 में से 360 घटा देंगे जो बचेगा, क्या बचेगा हमारा 440 समथिंग बचेगा। 440 कौन होगा, वो गर्ल्स होंगी,
क्लियर, यहां तक समझ आ गया, कोई डाउट? नो डाउट, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कभी भी याद रखिएगा 100% पे निकालना होता है तो सबसे पहले हमें 1% करना पड़ता है। यदि आप 1% नहीं करोगे तो क्वेश्चन आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको दिक्कतें सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ 45% है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा कितमें, 100% में। क्यों? क्योंकि दोनों मिला के हमारा 100% ये बनाता है। क्लियर, चले आगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। जो पिछला हमारा लेक्चर था उसमें ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि कम और ज्यादा वाले, सेम वही क्वेश्चन है। लिखा, एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है और एक सीट की कीमत में भी 8% की वृद्धि हो जाती है, तो एकत्रित किए गए राजस्व में कितने परसेंट की वृद्धि करनी है या कितनी होगी? सेकंड नंबर क्या कह रहा है, जब 20% की वृद्धि होती है यानी कि 20 का कितना होगा, 1/5, ये तो होगा 1/5 ही तो होगा, ये वृद्धि हो गई। यदि पहले 5 था तो वो 6 हो गया होगा, ये तो कह रहा है। सीटों में 8% की वृद्धि हो गई यानी कि 8/100, इसको काटेंगे तो 4/50, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/25, यही तो होगा कि कुछ और होगा, यही होगा ना भाई, 2/25 ही होगा ना, और तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। यानी पहले 25 था, अब कितना हो जाएगा, ये 27 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। क्लियर, यानी इसको मल्टीप्लाई किया गया तो 125 रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, 162। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, पिछले क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है भाई। वृद्धि का मतलब वृद्धि करते जा रहे, बस वही सिस्टम है जो पिछला मैंने आपको बताया था। कितने का डिफरेंट आ गया, पहले 125 था अब 162 हो गया, तो जाहिर सी बात है वृद्धि तो हो ही रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, तो 37 की वृद्धि हो रही है। यहां तक क्लियर होगा, यानी हमें मालूम है कि 37 हमारा ऊपर आता है और नीचे हमारे क्या आती है, वास्तविक वैल्यू, सीपी, रियल वैल्यू, टोटल वैल्यू। यानी ये हमारा रियल वैल्यू था, यही तो पैसा बना जाके 162 रुपए। भाई 125 ही तो बढ़ के बना 162 रुपए, तो हमारा वास्तविक वैल्यू क्या है, 125, यानी 125 नीचे रख देंगे, इंटू 100 का जैसे ही मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर जी ये हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में जब चेंज होगा तो कितना आ जाएगा, 29.6, और यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर समझिए बात को, मैंने पिछले क्लास में आपको यही बताया था कि वृद्धि होता है और जब कमी होता है तो क्या बनता है, सेम यही प्रोसेस होता है। अब आप सोचे सर जी 37 के ऊपर आ गया, तो मैंने आपको प्रॉफिट लॉस का केस बताया था कि हमेशा प्रॉफिट हमारा ऊपर होता है। वृद्धि मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हो रहा है ना। कमी का मतलब क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, इसलिए हमारा ये ऊपर आ गया। क्लियर, चले आगे, थर्ड नंबर की ओर बढ़ते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी करने में आपको, और पेपर में पूछे जाते ही हैं। चलिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या का 25% 65% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है कि कोई एक संख्या होगी, माना वो संख्या 100 है, मैंने पहले ही बताया था कि 100 ही पे लेके चलना पड़ता है। माना वह संख्या कितना है हमारा, माना वह संख्या हमारी कितनी है, 100 है, तो इसका कितना कह रहा है, वो 25% अधिक कह रहा है, और कितना कह रहा है, 65% अधिक कह रहा है। ये तो कह रहा है दो संख्या है, तीसरी संख्या का। अब इसको आप चाहो तो तीसरी संख्या मान लो या पहली संख्या मान लो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मान लीजिए आप तीसरी संख्या मान लो, क्या कह रहा है, ये तीसरी संख्या कह रहा है ना कि दो संख्याओं
दो संख्या तीसरी संख्या के क्रमशः यानी तीसरी संख्या, ये क्या है तीसरी संख्या। क्लियर आपको, जिससे और क्लियर हो जाए, यहां तक समझ आ गया। ये माना मैंने फर्स्ट संख्या रेशियो, ये हमारा सेकंड संख्या रेशियो, ये हमारा थर्ड संख्या। क्लियर, थर्ड संख्या हमारी 100 है तो आपने कहा हाँ। अब वो ये क्या कह रहा है कि जो ये संख्या है इसकी 25% अधिक, यानी कि 25% यानी कि 125, 65% अधिक यानी कि 165। यहां तक कोई डाउट है? डाउट तो हो गई, आप कहेंगे कैसे, क्योंकि यहां 125 आ गया ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, यहां 165 आ गया वो भी बहुत बड़ी बात हो गई। तो क्या करते हैं, 100% का 25% आप निकालने जाओगे, भाई आपके पास 100 रुपए हैं उसमें आप 25% आप निकालोगे तो आप तुरंत कहेंगे सर जी वो 25 रुपए हम निकालना पड़ेगा। कैसे, रुक करके देखते हैं। तो 100 × 25/100, अब नीचे क्यों 100 आ गया, क्योंकि परसेंटेज हटाया गया, इससे ये कैंसिल यानी कि 25 आ गया। हमारे पास 100 रुपए तो थे ही थे, उसमें 25 और जुड़ गया यानी 125 बन गया। हमारे पास 100 रुपए थे, इसी संख्या का तो कह रहा अधिक 65% यानी 65 रुपए और जुड़ गए यानी कि 165 बन गए। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं, चले आगे चलिए। अब वो ये कह रहा है कि पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या, ये तो कह रहा है यानी 125 और रेशियो कितना है 165, जब ये कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 25:33 और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 25:33 इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, आगे चले चलिए फोर्थ नंबर चलते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.5% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33/1/3 की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद कितना हो जाता है 2700 हो जाती है, तो गांव का वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, कोई गांव की जनसंख्या है पहले साल, पहले साल कितनी वृद्धि हो रही है, तो 12/1/2% की वृद्धि हो रही है। ये कितना होता है तो आप तुरंत कहेंगे 1/8 हमारा होता है। क्लियर, दूसरी साल की बात किया गया, दूसरी साल, दूसरे साल की बात किया गया तो क्या हो जाएगा, तुरंत कहेंगे सर 33/1/3% की वृद्धि वो कह रहा है। क्या कह रहा, वृद्धि हो रही, वृद्धि हो रही है ना यहाँ पे, हाँ दोनों ही वृद्धि हो रही है यानी कि 1/3 की वृद्धि हो रही है। पहले वो 8 था, पहले वो 8 था, वृद्धि होने के बाद वो 9 हो गया, भाई 1 की जैसे ही वृद्धि की गई तो वो 9 हो गया ना। दूसरे साल आया तो 3 था, जैसे ही वृद्धि किया वो 4 हो गया। क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं। इससे ये कैंसिल हो गए 2 और इससे ये कैंसिल हो गए 3, यानी कितना आ गया 2:3। यानी पहले जो था वर्तमान में था तो हमारा 2 था और फ्यूचर में जैसे ही ये बढ़ा तो वो 3 हो गया, बट क्वेश्चन के अनुसार 3 नहीं कह रहा, वो कितना कह रहा है 2700 की वृद्धि हो रही थी, वो 3 ना कहकर कितना कह रहा था 2700 की वृद्धि हो रही थी, इससे कितना गुना तो 900 गुना, तो ऐसे ये भी तो कितना गुना हो जाएगा 900 गुना, यानी कितना आ जाएगा 1800। यानी वर्तमान में उसकी संख्या 1800 थी, वृद्धि होने के बाद वो संख्या 2700 हो गई। यहां तक कोई डाउट है, चले आगे चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, मजा आ जाएगी करने में आपको। फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी गांव की जनसंख्या में पहले 16/2/3% की वृद्धि हो जाती है, दूसरे साल के अंत में 37/1/2% की कमी की जाती है और तीसरे साल के अंत में 57/1/7 की कमी कर दी जाए, तो
तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 3500 हो जाएगी, तो गांव के वर्तमान की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कि पहले साल 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है, 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है, तो क्या हो जाएगा 1/6 की वृद्धि हो गई। जब दूसरे साल आया तो क्या कह रहा है वो 37 से ही 1/2% की कमी होती है, क्या हो रही है कमी हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा 3/8% क्यों लगा, ये हो जाएगा वृद्धि, ये हमारी कमी हो रही है। तीसरी बार वो कह रहा है कि 57 से ही 1/7% की कमी हो रही है, कमी तो हो रही है, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4/7% की सात की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है ना, नहीं। पहले साल की बात किया गया तो वृद्धि हो रही थी तो 6 था तो वो 7 बन गया, दूसरे साल आए तो वो कमी कह रहा है तो 8 था तो दूसरे साल 5 हो जाएगा, ये भी कमी की बात कर रहा है तो 7 था, बाद में वो जाके 7 था और 4 की जैसे ही कमी हुई तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही तो होगा कि कुछ और होगा, यही होगा ना, यही होगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, यही तो जाएगा भाई, यही तो जाएगा, कुछ और जाएगा, यही जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 16 CI 5, यही तो होगा भाई, यही तो होगा। तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 3500 की क्या हो रही है गांव में, 3500 की जनसंख्या 3 साल बाद 3500 हो जाती है, बट हमारे अनुसार तो 5 हो रहा है भाई, हमारे अनुसार 5 हो रहा है, उसके अनुसार कितना हो रहा है 3500 हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 3500, ये हमारा कितना हो जाएगा 700, ये तो होगा, तो ऐसे ये भी तो 700 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 0 0, ये कितना हो जाएगा 42 42 4 और 7 4 11 1120 हमारा आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा 1120 क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें इंक डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन कैसे आता है, यहां से टाइप चेंज हो जाएगा आपका, क्या चेंज होगा देखते हैं। जो 6 नंबर क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा, जो 6 नंबर क्वेश्चन आ रहा है वो शेष पे आधारित होगा, इसमें 2 टाइप होगा, क्या एक कंटिन्यू होगा और एक शेष वाला होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे राम को ही है, राम इसके पास कुछ पैसे थे, इसने क्या किया कि कुछ पैसे का 50% कमरा का किराया दे दिया, कमरा का किराया दे दिया, किराया दे दिया, फिर उसने, फिर बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा, पहले राम ने 50% कमरे का किराया दिया, फिर उसमें से 25% किताबों पर, फिर उसने 10% यातायात पर खर्च करता है, तो उसके पास कुल कितने पैसे थे। पहला केस ये बनता है कि राम के पास कुछ पैसे थे, उसने 50% कमरे का किराया दे दिया, 25% किताबों पर खर्च कर दिया और 10% यातायात पर खर्च कर दिया। तो अब ये वाले क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, पहला टाइप ये बनता है। दूसरा टाइप जो आएगा वो क्या आएगा कि राम कोई है, उसके पास कुछ पैसे थे,
उसने 50% श्याम को दे दिया। क्या क्या? 50% श्याम को दे दिया। शेष, अब ये शेष जैसे ही आ गया तो यहां से ये ट्रिक चेंज हो जाएगी, इसमें कुछ और ट्रिक लगेगा और इसमें कुछ और ट्रिक लगेगा। शेष 5% यातायात पर खर्च कर दिया, तो बताइए कि राम के पास टोटल कितने पैसे थे। तो आज हम ये सेकंड टाइप पहले पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट टाइप की ओर चलेंगे। अब आप सोचे सर जी उल्टा क्यों? क्योंकि ये वाला टाइप जो है वो सिंपल है, वो ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा, ये हल्का सा थोड़ा सा प्यारा सा टफ पड़ेगा। पेपर में ये भी आते हैं और ये भी आते हैं, और ये दोनों मिक्स करके भी आते हैं। आप कंफ्यूजन मत होइएगा, हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट रहता है इसमें कि इसमें कैसे करना और इसमें कैसे करना, इसीलिए मैंने आपको ये दोनों लिख के बता दिया कि देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसके आएंगे। कैसे आएंगे चलिए देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा कैसे क्या क्वेश्चन करना है, देखिएगा। सिक्स नंबर क्या कह रहा, सिक्स नंबर कह रहा कि राम 33/1/3% श्याम को और शेष धन का 33/1/3% श्याम को, यानी 33/1/3% श्याम को। अब आप ही सोचिए, आपके पास 100 रुपए थे, उसमें से आप कुछ पैसे दे दोगे किसी को तो कम ही तो होगा, कम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो जैसे ही 33/1/3% श्याम को दे दिया तो राम के पास तो कुछ ना कुछ तो पैसे कम हो गए होंगे, यानी ये क्या हो रहा है डिक्रीज, ये क्या हो रहा है डिक्रीज, यानी कि कमी हो रही है उसके पास पैसे की। आप जानते हैं कि 1/3 इसका क्या होता है, सिंपल रूप होता है, होता है ना, ये कमी का सिंबल होते है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट है? नहीं डाउट है। उसके बाद क्या कह रहा है, शेष धन का, शेष उसके पास जो धन बचा है, शेष की बात आ गई, शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देता है, यानी 50% क्या करता है वो, कपड़ों पर खर्च कर देता है। भाई कमी होगी उसके पास, यानी 1/2 क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। शेष का केस आता है तो हमेशा क्या होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया था सेम वैसे ही करते जाना है इसमें। अंत में उसके पास शेष 1270 रुपए बचते हैं। अब ये बात यहां फंस गई कि उसके पास 1270 रुपए तो बच गए, तो उसके पास कितना धन था भाई, लास्ट में जाके जब खर्चा कर दिया तो 1260 रुपए उसके पास बचे। तो ये कह रहा है कि उसके पास पहले कितना रुपए टोटल थे, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर? अब देखिएगा, पहले उसके पास 3 रुपए थे, 1 रुपए श्याम को दे दिया, तो अब उसके पास कितने बच गए, तो आप तुरंत कहेंगे सर 2 रुपए बच गए। कपड़े की बात आई तो 2 रुपए उसके पास थे और उसमें से 1 रुपए कपड़े पे खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बच गया, 1 रुपए। यहां कोई डाउट है तो बताओ? कोई डाउट नहीं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3:1। पहले उसके पास 3 रुपए थे, खर्च करने के बाद उसके पास 1 रुपए बचा। पहले उसके पास 3 रुपए थे, खर्च करने के बाद 1 रुपए बचा, बट वो साफ साफ कह रहा है यार 1 रुपए नहीं बच रहा, उसके पास 1270 रुपए बच रहा है। उसके पास 1 रुपए नहीं बच रहा, कितना बच रहा है, 1270 रुपए बच रहा है। इससे कितना गुना, 1270 गुना, तो ऐसे ये भी तो 1270 गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, 3810 रुपए उसके पास टोटल थे। 3810 रुपए उसके पास टोटल थे, खर्च करने के बाद उसको 1270 रुपए बच गए। क्लियर? समझ आया? चलिए एक और आगे क्वेश्चन देखा जाए इसका। चलिए 7वां नंबर, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सातवां नंबर क्या कह रहा है, अनूप के पास जितना पैसे थे उसका 20% श्याम को शेष धनराशि का 12.5% खाने पर और शेष धनराशि का 14/2/7% यातायात पे खर्च कर देता है। अंत में उसके पास शेष 2100 रुपए बचते हैं, तो बताइए शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे।
सातवां नंबर क्वेश्चन, जैसे जैसे कह रहा है बस वैसे वैसे करते जाओ, आराम से आप निकाल लोगे। 20% श्याम को दे देता है, वो 20% श्याम को दिया, यानी उसका लॉस हो गया, कम हो गया 1/5। क्लियर। उसके बाद वो कह रहा है कि 12.5% खाने पे खर्च करता है, 12.5% खाने पे खर्च करता है, यानी कि 1/8 क्या है, खाने पे खर्च करता है। उसके बाद 14/7% यातायात पे खर्च कर देता है, 14/7% किस पे खर्च कर रहा है, यातायात पर, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/7 किस पे खर्च किया, यातायात पे खर्च कर दिया। अब तो क्लियर हो गया, अब तो कोई बात नहीं है, शेष की बात आई इसलिए मैंने ऐसे लिखा। चलिए, पहले उसके पास 5 रुपए थे, जैसे ही खर्च किया उसके पास कितने बच गए, 4 रुपए, ये तो बचेंगे। पहले उसके पास 8 रुपए थे, खर्च होने के बाद उसके पास 7 रुपए बच गए। पहले उसके पास 7 रुपए थे, खर्च होने के बाद उसके पास 6 रुपए बच गए। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं। 7 से 7 कैंसिल, इससे ये 2 बार गया, इससे ये कितनी बार गया, 3 बार गया, ये तो गया, तो कितना आ गया 5:3, कितना आ गया 3। पहले उसके पास 5 रुपए थे, खर्च होने के बाद 3 रुपए बच गए, यानी कि उसके पास लास्ट में आके 3 रुपए बचते हैं। बट क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है 3 रुपए नहीं बच रहे हैं, 2100 रुपए बच रहे हैं। कितना बच रहा है, 3 रुपए नहीं बच रहा है, कितना बच रहा है, 2100 रुपए बच रहा है। इससे कितना गुना, 700 गुना, तो ये भी तो इससे 700 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3500 रुपए। यानी उसके पास 3500 रुपए थे और खर्च होने के बाद उसके पास 2100 रुपए आके बचे। यहां तक क्लियर हो गया, चले आगे 8वां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन समझने से पहले मैं एक बात आपको समझाना चाहूंगा कि आपके पास जो पैसा था आपने परसेंटेज में दे दिया किसी को, लेकिन नॉर्मल वैल्यू में किसी को पैसा आप देते हो तो वो पैसा जुड़ जाता है, क्यों, देखिए मैं बताता हूं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे, आप खर्च करते करते परसेंटेज में मान लीजिए आपने खर्च कर दिया और आपके पास 25 रुपए बच गए, ये 25 रुपए बच गए आपके पास, समझेगा बात को, जिसमें से 5 रुपए आपने दान कर दिया, कितना कर दिया, दान कर दिया, तो आपके पास कितने बच गए, तो आप तुरंत कहेंगे सर मेरे पास 20 रुपए बच गए, दान करने के बाद मेरे पास 20 रुपए बच गए। यहां पे मान लीजिए यातायात आ गया था, कमरा आ गया और खाना आ गया, एनीथिंग, इनको खर्च करने के बाद आपके पास 25 रुपए बचे, जिसमें से 5 रुपए आप दानी बन गए, आपने बहुत अच्छा दान किया, 5 रुपए आपने दान कर दिया, तो आपके पास 20 रुपए बचे। क्लियर। यदि आप दान ना करते तो आपके पास कितने बचे होते, 25 रुपए बचते ना, बचते कि नहीं बचते भाई, आप दान नहीं करते तो आपके पास 25 रुपए बचते, क्यों, ये क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि ये नॉर्मल वैल्यू चल रही है, नॉर्मल वैल्यू में, इसीलिए यहां पे दान का हम इसमें जोड़ दिया जाता है कि आप दान ना करते या दान कर दिया तो वो पैसा भी क्या हो जाता, जुड़ जाता है, क्योंकि यहां तक का तो हमारा क्या था, परसेंटेज में चलता है, यहां से हमारा क्या बन जाता है, नॉर्मल वैल्यू बन जाती है, इसी कारण। चले, अब आप क्वेश्चन, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन आप देखेंगे आपको बिल्कुल प्यारा सा, बहुत मजा आ जाएगा करने में ये। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 5% यातायात पर खर्च कर देता है और अंत में शेष धनराशि का 120 रुपए दान कर देता है, तो अंत में उसके पास 1400 रुपए बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन ये। चलिए, पहले तो जैसा है वैसे ही करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च कर देता है, 20% भोजन पे खर्च करने का मतलब 1/5 हमारा क्या करता है, खर्च करता है, यहां तक कोई डाउट तो होने नहीं चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, 5% यातायात पे खर्च कर देता है, यानी 5% हमारा क्या करता है, यातायात पे खर्च करता है, 5/ कितना हो जाएगा 100, इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/20।
यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। अब हमें एक बात बता दो, 1400 उसके पास टोटल रुपए बच रहे थे और वो दान ना करता तो 120 रुपए इसमें जुड़े होते कि नहीं होते? तो आप कहें हाँ, तो टोटल क्या है 1500, कितना हो जाएगा 20, यानी टोटल उसके पास पैसे जो बचे हैं वो 1520 रुपए बचे हैं। देखिए आप ही सोचिए ना, एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा ना, अब आप देखिए आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए, ध्यान से समझिएगा, आपने 20 रुपए किसी को दिया, श्याम को दे दिया, फिर आपने 10 रुपए आपने खाने पे खर्च कर दिया, तो टोटल आपके पास कितना बचा? तो टोटल आपके पास ये खर्च करने के बाद आप कहेंगे 80 रुपए बचा। मैं कहूं कि इनको जोड़ना है तो आपके पास, मान लीजिए सिंपल सी बात समझिएगा, ये 100 रुपए आपके पास नहीं थे, मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं मालूम है कि कितना था, बट हमें ये मालूम था कि 20 रुपए वो श्याम को दे दिया और 10 रुपए वो खाने पे खर्च कर दिया, लास्ट में उसके पास 80 रुपए बचे, बचे ना। मैं कहूं कि उसके पास टोटल कितने पैसे बचे, तो आप क्या करोगे? आप यही तो करोगे, इसको इसको जोड़ दोगे, आपके पास पता चल जाएगा कि राम के पास कितने 100 रुपए थे ना। ये केस क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू में होता है ना, होता है, लेकिन यही चीज परसेंटेज में आ जाए तब आप क्या करोगे, तब तो आपको दिक्कतें फंस जाएगी ना। तो नॉर्मल वैल्यू, तो पहले तो हमें ये तो देख लें कि कितने रुपए उसके पास अभी प्रेजेंट टाइम में है, जैसे कि ये चीज हमने देखा, वही चीज है ये, क्लियर। चलिए अब देखिए, पहले उसके पास 5 रुपए थे, अब उसके पास 4 रुपए बच गए, पहले उसके पास 20 रुपए थे, अब उसके पास 19 रुपए बच गए। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं ना? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार, कितना जाएगा 5×5=25, और ये कितना हो जाएगा 19, 25 रुपए पहले उसके पास थे, अब लास्ट में जाके जो खर्चा कर दिया उसके पास 19 रुपए बच गए, बचे ना। बट क्वेश्चन में 19 रुपए नहीं कह रहा भाई, क्वेश्चन में तो 1520 रुपए कह रहा है, ये तो कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है 1520 रुपए कह रहा है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक आपको कोई डाउट लगता है तो बताइए कि हाँ मुझे डाउट लग रहा है। भाई आप ही सोचिए, दान ना किया होता, मैं पहले बता रहा हूँ कि नॉर्मल वैल्यू को जोड़ दिया जाएगा ना, पहले पैसे तो गेन किया जाए, कितना पैसा है मेरे पास प्रेजेंट टाइम में, उसके बाद ना ऊपर चलेंगे, परसेंटेज हटाया जाएगा, वही चीज है। यानी लास्ट में उसके पास 19 रुपए जाके बचते हैं, बट क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि उसके पास 1520 रुपए बच रहे हैं, इससे कितना गुना? तो आप तुरंत कहेंगे सर 80 गुना, तो ऐसे ये भी तो 80 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 2000, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 2000 उसके रुपए थे, खर्च होने के बाद 1520 रुपए उसके पास बचते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके, आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।